गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इसमें बजते हैं सुबह के 5:30 और मैं करूँगी योगा। मौसम आप देख सकते हैं हो रहा है, क्योंकि कल बारिश हुई थी, उसके बाद मौसम काफ़ी अच्छा है। फ्रेंड्स, आज मैं लंच में मलका बनाऊंगी, तो मलका मैंने भिगो दी है। और फ्रेंड्स, मैंने आज नाश्ते में बनाए थे करेले आलू हरी मिर्च की सब्ज़ी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही यम्मी लगती है, और आजकल आंबिया आ रही है, आंबिया डाले तो बहुत ही अच्छी लगेगी। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। फ्रेंड्स, मेरी दाल बच गई थी और कल मैंने घी निकाला था, तो घी के ऊपर जो ये मावा टाइप से बच जाता है ये था। ये जब आप पराठे के आटे में मिलाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसमें मैंने ये सब चीज़ें, नमक, हरी मिर्च, अजवाइन, अजवाइन से फ्रेंड्स ये हमारा डाइजेस्ट जल्दी से होता है, बची हुई दाल और जो हमारा घी के ऊपर का जो मावा बचता है वो मिला के आटा करा, इसके पराठे बहुत ही यम्मी बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, आप कभी ट्राई करिएगा। मैंने खीरा लिया है और इसका खीरे को मैंने अच्छे से वॉश करके अब मैं इसका जहर निकाल दूँगी और इसकी बनाऊंगी बहुत ही स्पेशल चटनी। चटनी बनाने के लिए मैंने खीरा लिया है, ये छिलके सही थी, मैंने छोटा छोटा काट लिया है क्योंकि छिलके भी बहुत न्यूट्रिशन होते हैं। और मैंने चने की दाल ली है, कुछ मूंगफली ली है, हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। फ्रेंड, चने की दाल रोस्टेड ही लेनी है, ये ध्यान रखिएगा। एक लहसुन की कली ली है, नमक लिया है और नींबू का रस। तो फ्रेंड देखिए कितनी अच्छी चटनी बनी है, इसकी चटनी का टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा था। और यदि आप इसमें चाहें तो छोंक दे सकते हैं, घी में आपको कुछ कड़ी पत्ते और रायका आप छोंक दे सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी खाएंगे तो भी बहुत टेस्टी। चटनी टेस्ट वाकई में अच्छा था। यदि आप डाइट पर हैं तो ब्रेड पर बटर की जगह इसे लगा सकते हैं, अदरवाइज पकोड़ों के साथ भी खा सकते हैं, तो इसका टेस्ट यूनिक है और आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अब पूजा का बढ़ाने का टाइम हो गया है, यानी कि मैं जब पूजा कर लेती हूँ उसके थोड़ी देर बाद, जब दीपक ठंडा हो जाता है तो पूजा बंद कर देती हूँ, इसे हम कहते हैं पूजा हमने बढ़ा दी है। देहरादून में भी है, बारिश में अच्छा तो लगता है लेकिन काफ़ी काम आपका लटक भी जाता है, बारिश में कपड़ों का काम बहुत बढ़ जाता है। मैंने ऊपर सुखा दिए तो एकदम से अचानक से बारिश आ गई, तो कपड़े थोड़े से गीले भी हो गए, अब इन्हें अंदर सुखाने हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको शिकंजी बनाना सिखा रही हूँ। आप कहेंगे शिकंजी तो हमें आती है, लेकिन फ्रेंड्स शिकंजी में जब आप घर पर बनाते हैं, जैसे गर्मी है तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे आजकल उमस भरी गर्मी हो रही है तो उसमें बहुत अच्छी है। मैं हमेशा चीनी पीस कर रखती हूँ अपने घर में ताकि मैं शिकंजी जल्दी से बना सकूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने चीनी और नींबू और ये काला नमक तो फ्रेंड्स इसमें कॉमन ही है, हम सभी डालते हैं, लेकिन इसमें फ्रेंड्स मैं डालूंगी पुदीने के पत्ते और नींबू के छिलक। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आप पुदीने के पत्ते और नींबू के छिलक डालते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम भी सही रहेगा, क्योंकि पुदीना पेट को ठंडक देता है और हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं वो चटनी जल्दी से खाते नहीं हैं पुदीने की, तो उनको खिलाने का एक यही तरीका है, या फिर मैं पुदीना सुखा कर भी रखती हूँ। और जो नींबू के छिलक होते हैं उसमें नींबू से ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो उसको आप थोड़ी देर के लिए ही रखिएगा और उसे छान कर पिएगा। ज़्यादा देर रखेंगे तो कड़वा हो जाएगा, तो आप 1.5 से 2 घंटे तक के लिए रख दीजिएगा तो उसका एसेंस आ जाता है और वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। रेडी हो गए क्योंकि आज मुझे वीडियो बनाने जाना है और कुकिंग की वीडियो बनाने जा रहा है, बस मैं बारिश के रुकने का वेट कर रही हूँ। बारिश हो रही है तो बारिश में आपके ये काम को थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, पर हर मौसम का एक अपना महत्व है। इस बार तो गर्मी भी फ्रेंड बहुत ज़्यादा पड़ी है, बहुत ज़्यादा, और देहरादून में इतनी गर्मी शायद किसी ने कभी पहले मतलब देखी नहीं और ना सोची होगी कि इतनी गर्मी देहरादून में भी पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं भी कोशिश करूंगी कि पेड़ लगाएं, आप भी कोशिश कीजिएगा कि पेड़ ज़रूर लगाएं, फेसबुक और व्हाट्सएप पर नहीं, सचमुच पेड़ लगाएं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, और यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।